नमस्कार, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। देश में कोरोना संक्रमण के एक दिन में रिकॉर्ड 50,000 के करीब नए मामले। हिमाचल प्रदेश, बस किराए में बढ़ोतरी पर विपक्ष सहित मजदूर संगठनों का विरोध। दिल्ली दंगों की निष्पक्ष जांच की मांग और पत्रकारों पर बढ़ती दबिश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार 24 जुलाई की सुबह 8 बजे जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के फिर से रिकॉर्ड 49,310 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से 740 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। साथ ही इसी बीच कोरोना से पीड़ित 34,602 मरीजों को स्वस्थ किया जा चुका है। देश भर में अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 12,87,945 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार अभी तक 63.45% यानी 8,17,209 मरीजों को ठीक किया जा चुका है, लेकिन संक्रमण के कारण अभी तक 30,601 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4,40,135 हो गई है। ICMR द्वारा आज 24 जुलाई को जारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 1,54,28,170 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 3,52,801 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में ही हुई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में जनता पर आर्थिक बोझ डालते हुए बस किराए में 25% बढ़ोतरी की है। बस किराए में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ विपक्ष समेत राज्य के मजदूर संगठनों ने अपना विरोध जताया। उनका कहना है कि निजी बस संचालकों के दबाव में बस किराए में बढ़ोतरी की गई। इस बढ़ोतरी के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी गुरुवार को राज्यव्यापी प्रदर्शन कर रही थी। गौरतलब है कि किराए में इजाफे पर मुख्य विपक्षी कांग्रेस समेत मजदूर संगठन भी अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। सभी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर सरकार ने किराया वृद्धि को तुरंत वापस नहीं लिया तो वो सरकार के खिलाफ अपना संघर्ष और तेज करेंगे। खोज खबर में वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह ने कोरोना काल में जनता को बेसहारा छोड़ चुकी सरकारों को खड़ा किया कटघरे और दिल्ली दंगों की निष्पक्ष जांच कराने की राज्य के मुख्यमंत्री से उठी मांग के पहलुओं का किया विश्लेषण। भाषा ने वरिष्ठ पत्रकार राधिका राम सेशन और अर्चिज मोहन के से भी बातचीत की, जिनको दिल्ली पुलिस की तरफ से फोन आया था कि 5 महीने पहले फरवरी में जब दिल्ली जल रही थी तो वे उस समय दंगाग्रस्त क्षेत्र में क्या कर रहे थे। आइए देखते हैं भाषा का यह एपिसोड। हमारे पास और आपके पास जो फोटो और वीडियो पहुंच रहे होंगे, खास तौर से उत्तर भारत से, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात, महाराष्ट्र, वे सब दिल दहलाने वाले हैं। अभी हाल में ही प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से बनारस में जो BHU में मेडिकल कॉलेज से जो फोटो आ रही हैं, जो वीडियो मरीज और मरीज के परिजन डाल रहे हैं, वे एक बात बिल्कुल साफ कर दे रहे हैं कि कोरोना का संकट जो देश में चल रहा है, इससे निपटने के लिए चाहे वो मोदी सरकार हो या राज्य सरकारें, उन्होंने कुछ नहीं किया। जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज पे उन्हें खर्च करना चाहिए था, जो बुनियादी चीजें मुहैया करानी चाहिए थी, वे कुछ नहीं हुई हैं। और इसकी जवाबदेही निश्चित तौर पर केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक बनती है। एक अहम सिग्नेचर कैंपेन, हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, जिस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। कम से कम उन लोगों के लिए ध्यान देना बेहद जरूरी है जो देश से प्रेम करते हैं, देशवासियों से प्रेम करते हैं। यह सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है अरविंद केजरीवाल के नाम, दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम। और यहां अपील की जा रही है कि फरवरी में जिस तरह से दिल्ली को जलाया गया, जिस सांप्रदायिक हिंसा में दिल्ली को झोंका गया, इसकी जांच जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और बाकी टीम कर रही है, सीधे सीधे अमित शाह गृह मंत्री के कमान के अंदर, वह सही नहीं है। यह पत्र लिखा गया है अरविंद केजरीवाल से, यह अपील करते हुए कि एक इंडिपेंडेंट जांच बैठाई जाए तुरंत, क्योंकि अभी तक जो जांच दिखाई दे रही है, जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं, उससे एक बात बहुत साफ हो रही है कि दिल्ली पुलिस जिस तरह से लोगों की गिरफ्तारियां कर रही है, जिस तरह से उसने अभी तक पूरी की पूरी चार्जशीट को तैयार किया है, इसमें सीधा का सीधा जो लिंक वो बना रही है, वो बना रही है कि जो लोग मारे गए, जिन इलाकों में हिंसा हुई, वे खुद ही अपने मारे जाने, अपने घरों को जलाए जाने के दोषी थे। इस पत्र पर आप खुद आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा होगा,
इस पत्र में बहुत सीधी सीधी सी बात कही गई है। यहां मैं आपसे इस बात का जिक्र करना चाहूंगी कि पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उसने अपना डेटा रिलीज किया, उसके हिसाब से अब तक दिल्ली जो जलाई गई जिसमें 55 से अधिक लोग मारे गए थे, उस संदर्भ में उसने बताया कि 750 मामले दर्ज किए हैं और 1300 लोगों को गिरफ्तार किया है। यहां पर हम उनकी लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं दे रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस सिग्नेचर कैंपेन की जिसमें तमाम लोग साइन कर रहे हैं, तमाम लोग अपील कर रहे हैं और इस पत्र का एक बहुत मजबूत आधार उन्होंने बनाया है। इन्होंने आधार बनाया है दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने जो अभी रिपोर्ट तैयार की है इस आगजनी, इस सांप्रदायिक हिंसा, दिल्ली को जलाने की साजिश पर। उनका कहना है कि इस रिपोर्ट को दिल्ली सरकार को स्वीकार करना चाहिए, उनकी जो सिफारिशें हैं, उनके जो अपने कमीशन की जो सिफारिशें हैं उसे मानना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से जो पीड़ित लोग हैं उन्हीं को दोषी बनाकर जेल के अंदर डाला जा रहा है। और यह सब देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है, सीधी कमान अमित शाह के पास है। और इसमें यह पत्र इसलिए भी प्रासंगिक हो उठता है कि पिछले लंबे समय से हम दिल्ली में देख रहे हैं कि एक के बाद एक जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, उन गिरफ्तारियों में वे चेहरे ज्यादा थे जो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो अभियान चला था, जो आंदोलन चला था, उसके बहुत प्रोमिनेंट फेस थे, बहुत प्रमुख चेहरे थे, चाहे वो सफूरा जरगर हो जिन्हें बहुत मुश्किल से भी बेल मिली, या इस तरह की तमाम लंबी फहरिस्त लिस्ट है जिसके कुछ नाम आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। सवाल यह है कि ये जो पत्र लिखा गया है इस पर सही ढंग की चर्चा होनी बेहद जरूरी है। दिल्ली दंगों और दिल्ली दंगों से संबंधित जो जांच चल रही है वह किस तरह से चल रही है, किस तरह से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, जांच की जा रही है, इसका ताजा तरीन उदाहरण आया है वरिष्ठ पत्रकार राधिका राम सेशन के द्वारा। उनसे हमने बात की, उन्होंने वही चीज बताई जो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी शेयर भी की थी। उन्होंने बताया कि 22 जुलाई को उनके पास एक फोन आता है, फोन पर जो व्यक्ति है वह पूछता है कि आप 27 फरवरी को क्या करावल नगर में थी? यहां से राधिका कहती हैं, जी वहां मैं थी। फिर पूछा जाता है क्या कर रही थी वहां पर आप? उन्होंने कहा मैं कवरेज के लिए गई थी। फिर उनसे पूछती हैं फोन करने वाले व्यक्ति से, आप यह क्यों जानना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हमें लगा कि आप किसी समूह का हिस्सा हैं। ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा आप किसी समूह का हिस्सा हैं। फिर उन्होंने पूछा कि आपको हमारा नंबर कैसे मिला? उन्होंने कहा डंप डाटा से मिला। यह डंप डाटा यानी वहां का जो मोबाइल टावर होगा, वहां पे जो लोग जिस फोन को ऑपरेट कर रहे होंगे, वो सारा का सारा डेटा उन कंपनियों ने, मोबाइल कंपनियों ने जांच एजेंसियों को सौंप दिया होगा बिना हमसे और आपसे पूछे हुए, बिना पत्रकारों से पूछे हुए। और इसके बाद वह पूछती हैं कि आखिर आप क्या जानना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम ट्रैक करना चाह रहे हैं कुछ अपराधियों को। और देखिए यह फोन उनके पास आता है 5 महीने बाद। राधिका रामसेशन ने यह लिखा भी और हमसे भी कहा कि उन्हें बहुत इस बात की हैरानी हुई कि अभी तक इन जांच एजेंसियों को कपिल मिश्रा के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली, क्योंकि उनका जिक्र तो कहीं इस मामले में आ ही नहीं रहा है। कहां उनका फोन था, वे कहां थे, पता नहीं उनसे पूछताछ की गई कि नहीं, लेकिन हम पत्रकारों से यह पूछताछ इस तरह से की जा रही है। और इसी संदर्भ में हमें पता चला कि बिजनेस स्टैंडर्ड के एक और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं अर्चिज मोहन, उनके पास भी इस तरह का फोन आया था। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि 12-13 जुलाई के करीब उनके पास फोन आया। दोनों लोगों को फोन आया रोहिणी से और कहा गया कि यह रोहिणी से फोन है क्योंकि इसकी स्पेशल जांच करने वाला दल रोहिणी में बैठ रहा है। और उनसे अर्चिज से जो बातचीत हुई वह तो बहुत ही दिलचस्प है। अर्चिज ने बताया कि बिल्कुल धमकाने वाले अंदाज में पुलिस उनसे बातचीत कर रही थी और कह रही थी अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा पता नहीं, और यह शब्द तक इस्तेमाल किया कि तुम्हारी जन्म कुंडली हमारे पास है।
और जब उसके जवाब में हर्षिस कहते हैं कि जब जन्म कुंडली ही आपके पास है तब तो आपको सब पता ही होगा कि मैं कहाँ गया हूँ। फिर उन्होंने सारे डिटेल्स पूछे कि वो कहाँ रहते हैं, मकान किसके नाम है, माता पिता यानी आदि इत्यादि। यह सब कुछ बहुत ही खामोशी से इस समय चल रहा है दिल्ली दंगों की जांच के नाम पर। इस तरह से लोगों के पास फोन जा रहे हैं, कौन कहां ट्रैवल कर रहा था, किस गली में जा रहा था, किस गली से बाहर आ रहा था। और बहुत दिलचस्प बात, अर्चित से तो यह भी पूछा गया कि आपने तो फोटो भी ली थी, फोटो क्यों ली थी। तो आप यह देखिए कि जो सर्विलांस है वह कितना तगड़ा है। और ठीक उसी समय हमारे सामने यह भी खबर आती है कि दिल्ली में जो जांच एजेंसियां हैं वह इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं गिरफ्तारी में हिंदू लोगों की जो गिरफ्तारी हो रही है उसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, भावनाएं आहत हो रही हैं। शायद यह वजह है कि जो सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है, अरविंद केजरीवाल जो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनसे जो अपील की जा रही है इसे जोर देना, इसे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि सर्विलांस स्टेट तो हमारे सामने है लेकिन इस स्टेट के नाम पर किस तरह से किसको पकड़ने की कोशिश हो रही है यह हम और आप शायद जानते हुए भी बोल नहीं पा रहे हैं। जन्म कुंडली कौन सी है किसके पास है यह तो शायद आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। शायद हो सकता है कि देश के जो शीर्ष दो सत्ता सीन लोग हैं उनको पता हो, लेकिन फिलहाल एक बात तो बहुत तय है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वे जानते हैं कि अगर उन्हें सरकार गिरानी है, सरकार के लोगों को खरीदना है, तो पीपीई किट देकर ईडी के अधिकारियों को किस तरह से राजस्थान में भेजा जा सकता है, किस तरह से दबिश डलवाई जा सकती है। और यह सब कुछ सामने हो रहा है, यानी सरकार गिराने, उठाने, खरीदने, बेचने का कारोबार बहुत धड़ल्ले से चल सकता है, लेकिन छोटे कारोबारी जो हैं, जो रेहड़ी लगाने वाले लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनको इस कोरोना काल में कितनी तगड़ी मार पड़ी है इसका अंदाजा शायद सत्ता में बैठे लोगों को हो ना हो लेकिन हमें और आपको है। रोज ही शायद आप भी देखते हो कि किस तरह से कोरोना का संकट गहराता जब जाता है तब सबसे तगड़ी मार गरीब पर पड़ती है। ऐसे ही कुछ दृश्य हमारे पास पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से। देखिए इन फुटेज को, इन वीडियोस को जिन्हें भेजा है गिरीश मालवीय ने और वहां के पत्रकार लोकेश सोलंकी ने। इन दोनों का हम शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इससे पता चलता है कि जो असल भारत है, जो मेहनतकश भारत है, वह किस तरह से इस क्रूर प्रशासन के सामने गिड़गिड़ा रहा है, कभी गुस्से में लड़ रहा है कि उसे जीने का हक है, वह कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या। देखिए यह इंदौर की एक मंडी का दृश्य है, ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है रईसा अंसारी। और जब हमने इनसे बातचीत की तो पता चला कि यह पीएचडी हैं, फिजिक्स में पीएचडी हैं, मटेरियल साइंस में इन्होंने पीएचडी की है और यह सब्जी बेच रही है। और वहां इंग्लिश में अपने गुस्से का इजहार इतना तगड़ा कर रही हैं, पूछ रही हैं मोदी जी से कि मोदी जी हम जहर खा लें, आपके पास आ जाएं। मुख्यमंत्री से पूछ रही हैं कि हम आपके पास मरने को आ जाएं, हम तो मेहनत से कमाना चाहते हैं, आप नौकरी नहीं देते मुसलमानों को, आज हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, अपनी बच्ची को सामने खड़ा करती हैं। यह गुस्सा समझना बेहद जरूरी है। देखिए इस ठेले वाले को भी, यह ठेले वाला आपकी नजर में एक हिंदू ठेले वाला होगा, हमारी नजर में यह एक भारतीय नागरिक है जो ठेले पर मजदूरी कर रहा है। यह भी रो रहा है कि मुझे अपनी माँ का पालन करना है। ये छोटा सा बच्चा जो अंडे बेचकर किसी तरह से जिंदा रहना चाहता था, उसके सारे अंडे गिरा दिए गए। ये बहुत दुर्लभ नजारे नहीं है? आप कह रहे होंगे इसमें खास बात क्या है, ये तो हर जगह ही होता है। जरा लेकिन दर्द तो सुनिए, सोचिए तो कि जो ईमानदारी से जिंदा रहने वाले लोग हैं उन्हें कितनी मुश्किल हो रही है और इस मुश्किल पर कहीं से भी किसी का ध्यान जा नहीं रहा है। न्यूज क्लिक की डेली राउंडअप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज क्लिक की वेबसाइट पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। देखते रहिए न्यूज क्लिक। धन्यवाद।